मेरे पास फोन भी नहीं भाई, जाना है वहीं की बस जा रही है MIT। तो भाई फिलहाल तो कजरौला पहुंच गया, तो काम चोर है, मुझे लग रहा है कि मैं गिर नहीं जाऊं। हेलो ब्रोडीज, व्हाट्स अप, और आज तो आप जानते ही हैं व्लॉग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, मतलब व्लॉग बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। सॉरी, जेई के पेपर देने से पहले मैं नर्वस होता है ना, वरना वही नर्वसनेस ही चल रही है मेरे अंदर। अरे देखो किट, मेरी किट, मैं बताता हूँ क्या क्या लेके जाना पड़ता है जेई मेन के एग्जाम से पहले। जो जो मैं लेके जा रहा हूँ मैं तो वो बता रहा हूँ भाई, मुझे बाकी नहीं पता भाई। सबसे पहले है मेरा एक एडमिट कार्ड, जो कि ये है, मतलब तीन पेजेस होते हैं, तो फर्स्ट पेज का प्रिंट करवाना होता है, तो ये रहा एडमिट कार्ड। बाकी मैंने आधार कार्ड रख लिया है अपना, दो फोटोज़ रख लिए हैं, दो फोटोज़, एंड एक ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस में लिखा था, तो बाकी मैंने ये सब रख लिया है। बाकी अगर कुछ और ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे देखा जाएगा जाके। हमारे कोको भाई बाहर टहलाने लाए आज, उत्तम तो काम चोर है, तो मैंने सोचा मैं ही घुमा दूँ। तो गाइस फाइनली जाने का टाइम आ चुका, तो भाई हमें पानी लेके जाना था, लेकिन ये पानी की बोतल ही नहीं खुल रही, ये बहुत टाइट कैप है। मनी भाई खोल के बताओ एक बार, नहीं जोर से जान लगाओ, तुम बाहुबली हो। नहीं खुल रही भाई, हाथ लाल हो गए मेरे भाई, सही में नहीं खुल रही। चलो फिलहाल तो स्किप करते हैं ये चीज और चलते हैं भाई। फिलहाल तो गाड़ी में बैठ गए, अब चल ही रहे हैं, अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे हम। और भाई मैं तो कह रहा था, मुझे पता थी भाई कोई साथ में नहीं मिलने वाला अपने, मैं अकेला बोर जाता, तो इसलिए मैंने मनी भाई को भी साथ ले लिया। मनी भाई अपने भाई मस्त मौज लेते हुए जाएंगे अब हम रास्ते में। भाई ये दोनों अपने आगे जो बैठे हैं अपने में लग गए, हम दोनों अपने में भाई मेरा। और भाई बता दूं कि हमें निकलते निकलते काफी ज्यादा लेट हो चुका है, 1:13 हो चुके हैं, और भाई टाइम से पहुंचना है हमें 3 बजे से पहले, क्योंकि 3 बजे वहां पे एंट्री लेनी है, 3 बजे की टाइमिंग है, देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। तो भाई फिलहाल तो कजरौला पहुंच गए हम, अब यहां से देखना ये है कि हम कितनी जल्दी मुरादाबाद पहुंच जाते हैं। गाने अलाव है नहीं गाड़ी में, तो हमने ईयरबड्स लगा रखे हैं उसमें ही, ठीक है भाई, वही बहुत बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, मतलब मज़ा ले रहे हैं, वाइब दे रहे हैं, पापा को बताओ कि कोई इंटरेस्ट नहीं है गानों में, तो इसलिए हमने बड्स लगा लिए भाई। और भाई देख लो, फैक्ट है, मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया है, ये भाई फाटक खुलना ही नहीं है, हर बार इस फाटक पे खड़ा होना पक्का है ही है हमारा। जब मैं स्पर्श के साथ आया था पीछे, ये तो वाइब ले रहा है भाई, वो छोड़ो, और फिलहाल जब मैं स्पर्श के साथ आया था पीछे, अब भी फाटक बंद था ये। आज जल्दी आ गई ट्रेन, चलो ऐसे ही पता है भाई, जेई का पेपर देने जा रहे हैं लोग आज, और भाई ये विश्वासघात करने जा रहा है, ये पेपर देऊंगा जितने में ये मूवी देखने जाएगा। 3 घंटे का मैं क्या करूँगा, चार्ज छोड़ जाऊँगा भाई, यार मतलब तो मैं भी चलूँगा ना, आपकी मर्जी है भाई। हाँ तो पेपर बंद करवा दिया, तो थोड़े दिन पोस्टपोन करवा देगा है, ये नहीं हो सकता यार, कुछ तो करवा दे, बताओ यार। हाँ भाई अकेले जाएगा भाई, मूवी देख ले यार, मनी क्या है, मैं भी चलूँगा, टाइम भी सही बैठ रहा है वैसे, 3 से 6 बिल्कुल यार, सही है इसका तो जुगाड़। फाइनली मुरादाबाद में एंट्री हो चुकी है, अब जाना है हमें सेंटर पे, जहाँ और मेरा पेपर है MIT पे, MIT मुरादाबाद। तो भाई मैसेज आ चुका है, मनी भाई का टिकट कंफर्म, भाई मज़ा आ गया, अब तो मूवी देखेगा। अब मूवी का नाम तो बता दे भाई, अभी देखते ये बहुत भाई, पॉप एग्जॉर्सिस तो मनी भाई की बस भाई, कुछ हो ही रही है, किस लेवल से हो रही है मुझे पता है, तो तुम भी हो पेपर आ तुम्हारे। सही बात है भाई, ज्यादा खुश हूँ मैं, खैर मेरा दोस्त जाएगा पेपर मूवी देखने, मेरा भाई जाएगा, कहाँ है वो फोटो में, ओ फोटो में आईफोन दिख गया मनी भाई, कितना बढ़िया दिख, ये लोगे तुम। और भाई मैं जिस चीज से बचना चाह रहा हूँ वही चीज़ मेरे सामने है, मतलब थोड़े टाइम बाद ही हम इन ट्रैफिक में मिल जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलने की हमारे धनौरा में कहाँ इतनी भीड़ रहती है, क्यों मनी भाई। लेकिन भाई जो ट्रैफिक है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है, पता नहीं क्यों, जहाँ हमें जाना है वहीं की बस जा रही है MIT मुरादाबाद। और भाई इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हमें एक लेन में ही चलना पड़ रहा है, इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से जा रही है, एक ही लेन चल रही है ना। चलो भाई, हाँ नहीं चाहिए, चलो आराम आराम से बोलो। और पहुँच गए फाइनली MIT, ये है कुछ MIT का व्यू है, सूत्रों से पता चलती हुई मनी भाई एंट्रेंस पर जाके हमें पूछना पाछना है, फिर मैं एंट्री लूँगा। नहीं बोल तो भाई, पिक्चर देख तू, यहाँ से जा निकल, जा रहे हैं धीरे धीरे गेट की तरफ, और नर्वसनेस इंक्रीजेज। तो गाइस फिलहाल ऑल ओवर एग्ज़ाम ख़त्म, और मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, अब जाते जाते बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी यहाँ पे, मनी भाई के पास फ़ोन था और कांड हो गया अभी। तो भाई फिलहाल का सीन तो ये है, टेम्पटेशन पे जाना है, पीली कोठी, ऐसा कुछ बता रहा है ये,
तो चल रहे हैं। पापा का फोन आया था अभी, और पता है सीन क्या बैठा, भाई साहब पहुंच गए गेट पे, मैं खड़ा हूँ मोड़ पे, और मैं मेरे पास फ़ोन भी नहीं, भाई साहब को मैंने पहले ही फ़ोन दे दिया था एग्ज़ाम शुरू होने से। हाँ तो भाई जैसे फ़ोन दे दिया था और मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैं सोच रहा था बाहर आके किसे कॉल करूँ, क्योंकि कोई भी अवेलेबल नहीं था, मुझे तो दिखा नहीं, और ये पता नहीं भीड़ में कहाँ खो रखा था, इसे मुझे देखना चाहिए था, क्योंकि मैं तो देख ही नहीं सकता था इसे इतने भीड़ में। नहीं कर क्या रहा था ये, इससे पूछो भाई, मैं तो देख रहा था, तो ये देख रहा था। हाँ दिख रहा है, बाकी सब दिख रहा है मुझे इसे छोड़ के। भाई और भी कलीग्स मिल गए मेरे, मतलब जो भी लोग थे फ्रेंड्स थे सब मिले, मुझे एक भी नहीं मिला, इसे सब मिल गए। वाह भाई वाह, ये भी सही है। हमने डिसाइड करा थोड़ा सफ़र करने का, और भाई 3.5 किलोमीटर पैदल पैदल चलवाएगा मुझे, खैर भाई रिक्शा नहीं ले रहे, आराम से पैदल पैदल चलेंगे मज़े से भाई। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ रिक्शा, हर बार ही अवॉइड कर देते हैं हम। एक बार हम भागीरथी से आए थे, भागीरथी से नहीं आए थे एक बार, मुझे तो कुछ याद नहीं है भाई। क्या क्या इसे रास्ता रास्ता नहीं पता, रास्ता उल्टा लेके जा रहा है भाई, अभी पता नहीं कितने मीटर था हम उल्टा चल लिए। मनी भाई मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता भाई, तुम्हारी है। हाँ मैं ही तो गलती है, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ ऑटो रोक ले, लेकिन कहाँ रोकने को तैयार है, पैदल पैदल चलेगा। वो भी सीधा ही सीधा चलता जा रहा है मेरे साथ। तू चल अपना काम कर और जल्दी ऑटो ले ले मेरे हिसाब से। तो अब भाई मिल गई, बैठ जा तू भाई साहब, बैठ जा शांति से, चुप रह। ये भाई पैदल लेके जाता नहीं तो, ये तो करता काम हमारा भाई। तुम्हारी गलती है, तुम्हें पैदल चलना होता है, अभी ब्लॉग में बोला तुमने कि भाई पैदल चलने की आदत है। हाँ तो आदत है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुम आधा रास्ता गलत चलवा दोगे। मेरी गलती नहीं है। हाँ सही बात है। तो भाई आगे की तरफ शिफ्ट हो गए, पीछे जरा पैसेंजर बैठ गए, और मनी भाई थोड़ा सा इधर और हुआ और मैं गिर गया यहाँ से, बस इतना ही होना है। इस समय मुझे लग रहा है कि मैं गिर नहीं जाऊँ, और भाई ट्रैफिक में अंदर आ चुके हैं हम, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं, स्टिल जाना तो है ही। तो भाई चलते जा रहे हैं, मंजिल का नहीं पता, पता नहीं कहाँ कब कहाँ की भीड़ लग रही है इतनी सारी। हमने तो डेविएट कर लिया अपना रास्ता, बताओ यार भीड़ के चक्कर में रूट चेंज करना पड़ा। बस यार जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, इतनी देर हो गई। पहुंच गए भाई, पहुंच गए। चलो चलो, अबे छोड़ फिलहाल भाई, मनी भाई का मनी भाई ने मजे कर दिए पिछली बार, जो जिस ऑटो में बैठे अभी वो, तो भाई उन्होंने रुपये नहीं दिए उसके, क्योंकि 200 रुपये का नोट था उसने, कहीं छोड़ो रहने दो, 20 रुपये जाने होंगे उस पर खुले होंगे नहीं। मनी भाई ने कहीं छोड़ दो, वो उसने कहीं छोड़ दो रहने दो मनी भाई। हाँ कोई बात ना, मत लो भाई, नोट बच गया भाई। रास्ता ये रहा, अंकल से पूछी हमने, ये कह रहे कूद के चले जाओ। चलो फिलहाल हमें कूद के नहीं जाना, हमें तो पैदल जाना है, जीना है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे बैठे थे हम महिंद्रास के शोरूम पे, भाई महिंद्रा गाड़ी वाले नहीं थे, कोचिंग सेंटर वाले थे। तो भाई मनी भाई पता नहीं क्या किस सोच में थे, और बाकी अंकल आराम से मुझे ले रहे थे यहाँ पे, और हम यहाँ पे पूछने गए थे कोचिंग के बारे में। फिलहाल तो हैं हम टेम्पटेशन पे, और भाई बेटीज मनी भाई मोमोज खा के आए हो, शर्म कर लो। जस्ट दिस इज कोल्ड ड्रिंक और पनीर पिज़्ज़ा बेटीज एंड सैंडविचेस। मनी भाई उठा ले सब सामान। चलो भाई गाड़ी में आ गए, अब चलो घर सीधे। भाई मनी भाई क्या लिया है, क्या लिया है भैया? तो भाई फिलहाल ग्रीन लाइट होने वाली है जल्दी, और पहुंचो फटाफट, निकलो यार इतनी देर हो गई यहीं पे खड़े हुए। गाइस टाइम हो रहा है 7, कुछ अगर दिख रहा हो तो फ्लैश चक्कर में दिख देना, बाकी मेरा स्कूल जरूर दिख रहा होगा। कौन सा स्कूल, कैसा स्कूल मनी भाई, कौन सा स्कूल इसमें पढ़े हो तुम? मनी जब तुम बालक थे तो मैंने तुम्हें मतलब तुम इसमें ही पढ़े थे मेरे साथ, बताओ यार कैसा लग रहा है तुम्हें? काफी अच्छा लग रहा है। IIT का पेपर दे के आए हो आज तुम? मारूंगा भाई IIT के पेपर की जगह पिक्चर देखने गए हैं भाई साहब, वो भी बिना पूछे मुझसे। हां तो कॉमर्स का बंदा हूं भाई मैं। होम स्वीट होम, होम स्वीट होम, घर पहुंच गए हो? जेई का पेपर देखना है। हां भाई नाम का ट्रॉफी, ट्रॉफी दो मेरी, जेई का पेपर दिया है मैं। अच्छा पढ़ गया, अरे टॉफी तो मैं तुझे दूंगा, आ जा। ट्रॉफी तुम दे दो यार अपना। पेपर कैसा गया बेटे? पेपर बताओ भैया, पेपर कैसा गया? भाई मैंने थोड़ी दिया है पेपर। आती कोको भाई मिले हैं, कोको भाई, कोको 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 कहाँ गया? छोड़ दिया हद तेरी। लो भाई मेरे अलावा वहाँ कुछ गया हो तो जाके। नहीं कैसा गया पेपर तुम्हारा, कैसा गया? एडिटिंग हो गई कंप्लीट, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहा ब्लॉग, हमने सफ़र करा
और भाई वहाँ पे मनी भाई खो गए, मैं भी खो गया, मुझे मैंने फ़ोन दे दिया। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सा रहा, जो भी सीन था बहुत मज़ा आया। बाकी ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा और भाई हमारे साथ भी एडवेंचर होते रहेंगे, ऐसे हमें भी बहुत मज़ा आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ही देखने में मज़ा आ रहा है, मुझे बनाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस चीज़ को। बाकी IIT का पेपर देखा जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। 2 घंटे में मेरा पेपर हो गया था, जितने लगाने थे लगा दिए थे, 1 घंटे बैठे खाली वहाँ पे आराम से, तो कुछ इस टाइप से रहा। बाकी अब देखना है CUET का विद न्यू इंस्पिरेशन और न्यू मोटिवेशन, और वो भी मिलती रहेगी आपको देख, मतलब आपसे और आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से। बस इसी तरह बरसाए रखिए अपना प्यार, बनाए रखिए अपना सपोर्ट। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए मिल टा टा बा बा बाय।